अब ना बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ छोड़ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, नॉलेज बाद में ले लेंगे, पहले थोड़े काम की बातें कर लें, एग्जाम में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात भी सही है। तो अब जो हम करेंगे वो आपके क्वेश्चंस में यूज होगा, वो हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा। ध्यान से देखेंगे, स्टेजेस पे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि ये फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू एक होती है, फेस वैल्यू एक होता है, इशू प्राइस एक होता है, फेस वैल्यू एक होता है, इशू प्राइस और एक होती है मार्केट वैल्यू। एक होती है फेस वैल्यू, एक होता है इशू प्राइस और एक होती है मार्केट वैल्यू। ध्यान से देखेंगे एक एक करके, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू होती है एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, कि एक शेयर शेयर की एक्चुअल वर्थ क्या है। फेस वैल्यू जैसे हमने पढ़ा था ना, फेस वैल्यू 2 रुपये हो सकती है, 5 रुपये हो सकती है, 10 रुपये हो सकती है, कंपनी की मर्जी है कि कंपनी की वर्थ क्या आ रही है। नेटवर्थ आ रही है 50 लाख रुपए, अब वो शेयर्स इशू करना चाहती है, कह रहे बताओ फेस वैल्यू क्या रखनी है। कह रहे फेस वैल्यू रखनी है 10 रुपए। तो अगर आपके बिजनेस की वैल्यू 50 लाख आई है और आप 10 रुपए शेयर की फेस वैल्यू रखना चाहते हो, तो आप 5 लाख शेयर इशू कर सकते हो। तो आपकी जो शेयर कैपिटल है, इट विल बी डिवाइडेड इंटू 5 लाख यूनिट्स। फेस वैल्यू आप खुद डिसाइड करेंगे अपने शेयर की, एक टोटल वर्थ तो वैल्यूएशन होगी, अब शेयर की फेस वैल्यू क्या रखनी है वो आपकी मर्जी है। इट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, इट इज द वैल्यू विच इज शोन अंडर शेयर कैपिटल। इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो होगी शेयर कैपिटल, वो किस वैल्यू पे होगी। फेस वैल्यू, एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर क्या है, एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर क्या है। ध्यान से देखेंगे, अब इशू प्राइस सुनोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब आपके शेयर की वैल्यू है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए। लेट अस अज्यूम आपके शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। अब आपकी कंपनी आईपीओ निकाल रही है, आईपीओ आईपीओ निकाल रही है। अब आपकी कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है, आपकी कंपनी की गुडविल अगर अच्छी है, शेयर्स में भी इशू डाट अ प्रीमियम। आप अपनी कंपनी का शेयर दे रहे हो किसी को, तो आपने इतनी मेहनत करके कंपनी एक स्टेज पे लेके गए हो, तो जो शेयर 10 रुपए का है आप प्रीमियम पे इशू करोगे। कह रहे हम आपको शेयर तो दे देंगे, बट 10 रुपए का शेयर आपको प्रीमियम पे मिलेगा, इशू प्राइस। इट इज द प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। इट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी। कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है, उसके बाद आपस में ट्रेडिंग चलती रहती है स्टॉक मार्केट पे, वो कंपनी इशू नहीं कर रही, कंपनी ने तो आईपीओ निकाला, शेयर्स इशू कर दिए। तो इट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। शेयर्स में भी इशूड एट, ध्यान से देखेंगे, मैं इसको बाद में फिर से लिख लूंगा। शेयर्स में भी इशूड एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर्स में भी इशूड एट पार, पार मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 10 रुपए, प्रीमियम फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 10 रुपए से ऊपर। कुछ भी हो सकता है, पेटीएम का जो 2,250 रुपए का शेयर था उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, रिलायंस का जो शेयर चल रहा है समवेयर अराउंड 2,200, जो भी मतलब आई डोंट रिमेम्बर,
उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए से कम भी हो सकती है, 5 रुपए भी हो सकती है, 10 रुपए भी हो सकती है। 10 रुपए से ज्यादा तो बहुत ही कम शेयर्स की वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कल को बाई चांस कंपनी डूबी। शेयर कैपिटल ओनर्स लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल इज द लाइबिलिटी, ओनर्स ओनर्स फंड्स द मनी विच द कंपनी ओज टू द ओनर्स। कह रहे भाई साहब 10 रुपए पर शेयर, कल को कंपनी डूबी, हाउ मच इज द कंपनी लाइबल टू पे, और हाउ मच इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द ओनर शेयर होल्डर्स, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, वो है मैक्सिमम लाइबिलिटी। तो सर 10 रुपए का शेयर कोई 5,000, 2,000, 1,000 का कैसे खरीद सकता है? रिस्क है, रिस्क है, एक उम्मीद में कि कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, और इसके लिमिटेड यूनिट्स हैं, तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, शॉर्टेज है तो उसके रेट बढ़ते जाएंगे। डिमांड सप्लाई है, इकोनॉमिक्स है कि लोग खरीदना चाहते हैं खरीदना, बिटकॉइन है, शॉर्टेज है, खरीदना चाहते हैं खरीदने जाते हैं। बिटकॉइन तो कितने का है अब तो सस्ता हो गया, फिर भी 23-24 लाख, 25 लाख ऐसे कुछ होगा डॉलर्स, नहीं 25,000 डॉलर्स, 25,000 डॉलर्स, उससे भी कम हो गया अभी तो, 25,800 डॉलर, 80 रुपए के हिसाब से अगर लगाएं। हाँ 20-21 लाख रुपए का है, 20-21 लाख रुपए का एक बिटकॉइन, ये तो कम हो गया है, 50-60 लाख, 50 लाख तो टच हो गया था। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यूनिट शॉर्टेज है, फिक्स्ड है यूनिट्स, डिमांड बढ़ती जाएगी तो रेट बढ़ती जाएगी। और वापस आते हैं, फेस वैल्यू एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, इशू प्राइस द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड, शेयर्स मे बी इशूड एट पार, जितने का है उतने का, शेयर्स मे बी इशूड एट प्रीमियम, एंड नॉर्मली शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, नॉर्मली शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम। डिस्काउंट सेक्शन 53 कहता है शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू द जनरल पब्लिक, एक्सेप्शन शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट टू द एम्प्लॉइज, उसको क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी। सेक्शन 53, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। पब्लिक पब्लिक को डिस्काउंट पे नहीं दे सकते, स्वेट इक्विटी उसमें तो अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, कह रहा है उनको दे सकते हो, बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ओके पॉइंट, हमें टर्म्स अंडरस्टैंड करनी है, फेस वैल्यू एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, तो जो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी इट इज द वैल्यू बाय विच शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड इंटरनल लाइबिलिटी दिखाते हैं ना शेयर कैपिटल की, कैपिटल हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैश टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जब शेयर्स इशू होंगे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, किस वैल्यू से क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से। तो लेकिन सर अगर हमने 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में इशू करा है, कैपिटल 10 रुपए रहेगी, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा पैसे आपने कलेक्ट कर रहे हैं वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएंगे, प्रीमियम, प्रीमियम। तो फॉर एग्जाम्पल इफ शेयर्स ऑफ ₹10 each आर इशूड एट ₹15, तो फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसको नाम क्या देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या हो जाएगा, 5 रुपए, सॉरी प्रीमियम, प्रीमियम होता है एक्स्ट्रा पैसे कितने लिए, प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे 10 रुपए की चीज 15 रुपए की मिल रही है तो प्रीमियम 5 रुपए। तो फेस वैल्यू एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, सिक्योरिटीज इशू प्राइस इट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक, तो कंपनी पैसे कितना कलेक्ट करेगी टोटल, जितने के इशू कर रहे हैं, यस और नो, बट कैपिटल कितने पे दिखाई जाएगी, फेस वैल्यू, ध्यान रखना। तो एक छोटी सी टर्म फेस वैल्यू, एक टर्म इशू प्राइस, और एक टर्म मार्केट वैल्यू, एक टर्म क्या है, मार्केट वैल्यू, ध्यान से देखेंगे ये मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू इट इज द प्राइस
एट विच शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे जिस प्राइस पे रेट चल, मतलब कभी 100 रुपये, कभी 110, कभी 105, स्टॉक मार्केट में आज की डेट में हर मोमेंट चेंज होता है रेट, हर मोमेंट चेंज होता है मार्केट वैल्यू। इट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। इट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उनको किस चीज से मतलब है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस से। तो थ्रू आउट द चैप्टर टर्म्स कौन सी बार बार यूज होंगी, फेस वैल्यू और इशू प्राइस। मार्केट वैल्यू जनरल नॉलेज के लिए कि मार्केट में जो रेट चल रहा है स्टॉक मार्केट का, उससे कंपनी के अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं होता। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, थ्रू आउट द चैप्टर यूज होंगी।